अवधेश आर्य और उर्मिला मातोंडकर को लेकर गए जो डिजिटल डेब्यू करने वाली है। उनके आने वाले सीरीज तिवारी में वो मुख्य भूमिका में होगी। वहीं सीरीज को सौरभ वर्मा ने डायरेक्ट किया है। नेक्स्ट अवधेश आर्य रणदीप हुड्डा को लेकर के जो अपने डायरेक्शन के तौर पर डेब्यू करने वाले हैं। वो स्वतंत्र वीर सावरकर नाम की फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं जो वीर सावरकर की बायोपिक होगी। नेक्स्ट अवधेश आर्य जहाँ मार्वल ने ब्लैक पैंथर का फर्स्ट लुक आउट किया है। फिल्म 11 नवंबर को हिंदी सहित 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। इस मूवी से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आदिपुरी इस मूवी को लेकर के। कहा जा रहा था कि मेकर BFX पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद मेकर्स ने खुद क्वालिफाई किया कि हम लोग BFX पर काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्पोर्ट्स से, जहाँ BCCI ने कन्फर्म किया कि बुमराह T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। साथ ही बुमराह का रिप्लेसमेंट 2-4 दिन में अनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जहाँ इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान खुशदिल शाह आउट होकर बाहर जा रहे थे, तब दर्शक उन्हें पर्ची पर्ची का नारा लगाकर चिढ़ा रहे थे, जिसके बाद खुशदिल शाह ड्रेसिंग रूम में जाकर रोने लगे। वहीं पाकिस्तान के प्लेयर इमाम उलहक ने ट्वीट कर कहा कि फैंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्टोनिस को लेकर के, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। वो साइड स्ट्रेन के कारण बाहर हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सिमरन हेटमायर को लेकर के, जो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट को मिस कर दिए थे, जिसके बाद उन्हें T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया गया है। उनके जगह सैमरन ब्रुक्स को चुना गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एबी डिविलियर्स को लेकर के, जिन्होंने खुद कंफर्म किया कि वो अगले साल IPL में वापसी करने वाले हैं। वो एज अ प्लेयर नहीं, जो भी उन्हें रोल दिया जाएगा उसके तौर पर वो वापसी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं एक यूट्यूब चैनल भी खोलने वाला हूँ, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि मेरा पहला गेस्ट विराट कोहली हूँ। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जहाँ चेतन सकरिया और मुकेश चौधरी T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जहाँ जिसका तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाना है। वहीं इस मैच में KL राहुल और विराट कोहली को आराम दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वुमेन एशिया कप को लेकर के, जहाँ भारत ने मलेशिया को डकवर लुइस के तहत 30 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। भारतीय टीम के स्कोर कार्ड की बात करें तो मेघना 69, शेफाली वर्मा 46, ऋचा घोष 33, नगवीरा 0, राधा यादव 8 और हेमलता 10 रन बनाए। वहीं मलेशिया की गेंदबाजी की बात करो तो दुरेंग सिंघम को 2 और सिंधावा को 2 विकेट मिला। वहीं लास्ट का पीछा करने मलेशिया की टीम 5.2 ओवर में 16 रन पर 2 विकेट गंवा दी और इसी दौरान बारिश आने के कारण मैच को रोक दिया गया, जिसके बाद भारत को डकवर्थ लुईस के तहत 30 रन से विजेता घोषित किया गया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है लेजेंड लीग से, जहां भिलावर किंग ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात जायंट्स की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाया। गुजरात जायंट्स के स्कोर कार्ड की बात करो तो दिलशान 36, गेल 5, पार्थिव पटेल 9, यशपाल सिंह 43, थिसारा परेरा 0, केविन ओब्रायन 45, ईश्वर बिनी 4, जीवन मेंदिस 24, स्वान 3, इमरित 1 और अपन्ना 8 रन बनाए। वहीं भिलावर किंग की गेंदबाजी की बात करो तो एडवर्ड्स को 1, पनेसर को 1, राहुल शर्मा को 1, श्रीसंत को 2, त्यागी को 1 और ब्रेसनन को 1 विकेट मिला। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी भिलावर किंग की टीम ने 18.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भिलावर किंग के स्कोर कार्ड की बात करें तो पोर्टर फिर 7, वैनबेक 31, वासन 48, यीशु पठान 21, इरफान पठान 22 और आर बिश्नोई ने 5 रन बनाए। वहीं गुजरात जायंट्स की गेंदबाजी की बात करें तो अपन्ना को 1, अरविंद को 2 और स्वान को 1 विकेट मिला। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।